Sir. Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are to complete the last part of this chapter, chapter 3rd. That is only exercise questions are there, and then base effects objective will be discussed. Yes, you can ask any question. Any student with any question? No, sir. Abhi koi bachi puchna chahte thi? बेटी इस चैप्टर की एक्सरसाइज है जो कि हमने कंप्लीट करनी है. इसके बेसिक फैक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं. अभी क्वेश्चन कौन सा किसी बच्चे का था? करने ये याद तो आपने नहीं करने, लेकिन मेरे ख्याल में एक दफा डिस्कस कर लूं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको. जिस हमने चैप्टर थारोली पढ़ा है तो क्वेश्चन भी एक दफा डिस्कस हो जाएगा. Be attentive students. Students, first you should mute yourself if you are to talk to anyone. बेटे जिसने कोई बात करनी हो पहले खुद को म्यूट तो किया करें. और बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर कहना है? यस. ओके सर. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वांटेड केमिकल्स टू देयर प्लेस ऑफ Place of utilization. Yes. Waste chemicals to the places from where they remove outside the body. Okay, correct answer. It was there. That's a job of circulatory system is to transport wanted substances to the places of utilization. Yes. Excuse me, sir. ग्रुप में भी भेज दिया हमें, गूगल क्लास में भी भेज दिया. एक्सक्यूज मी सर, व्हाई वी आर डूइंग इट्स क्वेश्चन आंसर बिकॉज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सर वी विल नॉट राइट इन आवर नोटबुक्स. इन नोटबुक्स यू डोंट नीड टू राइट डाउन. ओके सर. नेम फोर ऑफ द मटेरियल्स कैरीड बाय ब्लड. चार चीजें जो ब्लड कैरी करता है. Yes. Sir, oxygen gas, carbon dioxide gas, absorbed food and hormones. Hormones, correct. Third question is how much blood is there in the body of an adult human being? Second. Yes. Sir, there is about 5 liters of blood in an adult human body. Okay. आप बेटे अब हाथ खड़ा करेंगे जैसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे. आप लोगों ने तो ये सारे याद भी कर लिए माशाल्लाह. अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट आर द फोर पार्ट्स ऑफ ब्लड. डिस्क्राइब व्हाट ईच ऑफ देम डज. फोर पार्ट्स ऑफ ब्लड के उनके नाम बताने हैं. ज़ारा खालिद. जी सर. बेटे फोर पार्ट्स ऑफ द ब्लड के नाम. भाई क्या कह रहे हैं? बेटे फोर पार्ट्स ऑफ द ब्लड आपको पता है कौन से हैं? बड़े हाथ नीचे कर लें. जिसको क्वेश्चन का आंसर आता हो वो हाथ खड़ा करें, बाकी सबके हाथ नीचे हो. सायरा शफात. यस सर. सर ब्लड सेल्स के नाम बताने हैं ना. फोर पार्ट्स ऑफ द ब्लड कौन से हैं? सर ब्लड सेल्स के नाम बताने हैं ना. आपकी आवाज नहीं क्लियर, माइक का इशू है शायद. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा. आगे फंक्शन पूछा गया है, हर एक का फंक्शन क्या है. तो बेटे रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स.
और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं दे स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट्स ऑफ वाउंड्स बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स देयर, और उसके बाद प्लाज्मा का क्या फंक्शन है कि प्लाज्मा जो है इट्स अ स्टोर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब्सटेंसेस, इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूड सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। पांचों क्वेश्चन है कि व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू इन द बॉडी, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं खुद एक दफा डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ बच्चियों को याद है ठीक है लेकिन मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ। व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू इन द बॉडी, कि हीमोग्लोबिन क्या काम करती है बॉडी में, तो बेटे हीमोग्लोबिन आपको मालूम है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन इज पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। व्हाई डज लैक ऑफ आयरन इन द डाइट समटाइम्स लीड टू एनीमिया, कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया क्यों होता है, बट आयरन इज पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, सो इन केस ऑफ लैक ऑफ आयरन डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी देयर ड्यू टू व्हिच रेड ब्लड सेल्स विल नॉट बी फॉर्मड एंड इट विल कॉज एनीमिया, इट विल लीड टू एनीमिया। सेवंथ क्वेश्चन है कि अ ड्रॉप ऑफ ब्लड हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम योर लंग, डिस्क्राइब द रूट इट टेक्स टू गेट बैक टू द लंग, कि लंग से एक ब्लड का कतरा जो निकला है वो किस रास्ते से होता हुआ दोबारा लंग्स तक पहुंचेगा, तो बेटे लंग से वो जाएगा पल्मोनरी, कौन सी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में, लंग से पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन उसको ले जाएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से आगे बॉडी सेल्स को चला जाएगा, ठीक है, एओर्टा से बॉडी सेल्स को पहुंचेगा, बॉडी सेल से वो कलेक्ट होगा वेन्स के जरिए, सुपीरियर वेना कैवा या इन्फीरियर वेना कैवा जो वेन्स हैं वो उसको कलेक्ट करेंगी, उसको वापस ले आएंगी राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को चला जाएगा, रोड कंप्लीटेड। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, फ्रॉम हियर देयर इज द प्रेशर कम्स टू पुल द ब्लड, हार्ट pumps blood, so pressure is created by pumping of heart. Sir, but heart needs air for pressure. Heart needs sir, means heart needs everything that creates pressure needs air to create okay, it is not the pressure of air, it is not the air that is pushed in the blood capillary, blood vessels, it is the blood. Heart muscles contract and during their contraction pressure is exerted on the blood that's there inside the heart. Sir, means heart pumps and the pressure is created heart ke muscles ke bete contraction ki wajah se jo uske andar blood hota hai uske upar force exert hoti hai aur ye pressure hota hai, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास ट्यूब के अंदर कोई चीज हो और ट्यूब को ऊपर से प्रेस करें तो क्या होता है, या आपको प्लास्टिक की बोतल के अंदर कोई चीज होती है जैसे पानी है, जैसे प्लास्टिक की बोतल ऊपर से खुली हो और बोतल को आप प्रेस करें तो क्या होता है, पानी बाहर नहीं निकल जाता, तो यही चीज ये कि वो आपने प्रेशर ही एग्जर्ट किया है, ये तो प्रेशर से पानी बाहर निकला। ओके, इसके बाद बेटे है नेक्स्ट के वही ऐसे सर, जिस तरह इंजेक्शन होता है प्रेशर वाला, हाँ जी वो भी इसी तरह से वाला, Why is it much easier to stop blood flowing from a vein than an artery? के वेन से ब्लड को स्टॉप करना आसान है आर्टरी की निस्बत, बट आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, जबकि वेन के अंदर ब्लड जो है अंडर हाई प्रेशर नहीं होता, इसलिए वेन में से ब्लड की लीकेज जो है उसको स्टॉप करना आसान है। नाइन्थ क्वेश्चन के वाई डज ब्लड स्पर्ट आउट ऑफ द डैमेज आर्टरी, तो डैमेज आर्टरी से ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ क्यों निकलता है, अगर वो कट उसको हो जाए वो कहीं से कोई उसमें जख्म हो जाए, तो बड़े इन आर्टरी ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, दैट्स व्हाई इट स्पर्ट्स आउट ऑफ इट, ब्लड अंडर हाई प्रेशर होता है इस वजह से तेजी से बाहर आता है। व्हाई इज इट नॉट करेक्ट टू से दैट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बड़े जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि एक आर्टरी आपने देख ली जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी, और एक वेन जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
आपको डायग्राम देगी, अपने डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है इसमें, देखिए यही कहा ना, सिंपलीफाइड डायग्राम शो इन द सेक्शन, योर नोटबुक ड्रा एंड लेबल। यस एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स द डिफरेंस इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट हैज मच कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन ब्लड दैट इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। आपने बेटे डायग्राम को लेबल करना है। यस सर, डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ज्यादा होती है, हां जी, ऑक्सीजन थोड़ी होती है। ओके सर, ये बेटे देखें, ए पार्ट जो है ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, वापस ब्लड ले आ रही है, पल्मोनरी वेन है। बी जो है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये सी बाइकस्पिड वेल्व है, डी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जी एआर्टा है, और इधर से हम आए, आई जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है, और एच सुपीरियर वेना केवा, एफ राइट एट्रियम, और ई जो है वो राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेबलिंग थी आपके यहाँ जो नोट्स हैं उनमें दी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन, लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 11, here simplified diagram, okay, it's done. Question number 12, how do veins differ from arteries and capillaries in their structure and function? Veins ka kya difference hai arteries aur capillaries se? Beta jo veins hain inka lumen wide hota hai, lumen yani inka jo bore hai ya andruni size hai wo arteries se ya capillaries se zyada hota hai, aur dusri baat ke veins ke andar valves hote hain to maintain one way flow of blood. जो आर्टरीज हैं या कैपिलरीज हैं ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, जबकि वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड, वेन्स ब्लड को वापस ले आती हैं हार्ट की तरफ। तो ये डिफरेंसेस थे। 13th क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेरिकोस वेन्स एंड व्हाट कॉजेस देयर डेवलपमेंट। बट स्वोलन वेन्स ऑफ द लेग्स जो है उनको वेरिकोस वेन्स कहते हैं, और इनके वेल्व्स जब काम नहीं करते, वेल्व्स के डिसऑर्डर की वजह से ये वेरिकोस वेन्स जो है वो डेवलप होती हैं। Question number 14, what type of blood people are prone to developing blood related diseases? Ke blood related diseases kaun se logon ko ho sakti hain? Bade obese yani heavy weight wale jo hain, zyada weight wale log jo hain, obese people, aur iske alawa high blood pressure wale jo log hain, theek hai, unko blood related diseases ho sakti hain, या फिर जो टबैको स्मोकर्स हैं, ठीक है, टबैको स्मोकर्स, इनको ये हार्ट रिलेटेड डिजीजेस जो हैं वो हो सकती हैं। व्हाट इज अ पेसमेकर, व्हेन इज इट नीडेड? पेसमेकर बेटे ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, दैट इज इंसर्टेड इन द बॉडी, इट्स फंक्शन इज टू स्टिमुलेट हार्ट टू फंक्शन नॉर्मली, हार्ट की फंक्शनिंग जो है उसको नॉर्मल करने के लिए, हार्ट की पंपिंग वगैरह जो है उसको बहाल करवाने के लिए, जबकि हार्ट प्रॉपर काम ना कर रहा हो, हार्ट का जो नेचुरल जो पेस मेकर है वो सही काम ना कर रहा हो, तो फिर ये आर्टिफिशियल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज अ वेल्व इन हार्ट और वेन डू? वेल्व जो है वेन में हो या हार्ट में हो, दे मेंटेन वन वे फ्लो ऑफ ब्लड एंड दे स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एंड व्हाट्स द फॉल्टी हार्ट वेल्व? फॉल्टी हार्ट वेल्व इज दैट कांट फुली स्टॉप द वन वे फ्लो, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो बैक फ्लो ब्लड का स्टॉप नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पर, उसको फॉल्टी वेल्व कहेंगे। हाउ इट कैन बी रिपेयर्ड? इट कैन बी रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट, इसकी जगह नया वेल्व जो है वो लगाया जा सकता है। 17th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन हैज हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन हिज और हर ब्लड? बट अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस की डिजीज जो है ये होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। व्हाट कैन बी डन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की टैबलेट्स या इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं बाकायदगी से ये यूज करने पड़ते हैं, और इसमें डाइट का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए, वॉक वगैरह करने से ये चीज कंट्रोल हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट? हार्ट ट्रांसप्लांट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कल लास्ट टॉपिक में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज ये है कि लाइफ स्पैन कैन बी
एक्सटेंडेड टू टू फाइव ईयर्स, ठीक है, लाइफ जो है वो टू दो से पांच साल तक एक्सटेंड हो सकती है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से, कि अगर हार्ट फेलियर था तो पर्सन जो है डेट वुड डाई, और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो दो से पांच साल तक जो है उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वो इस ट्रांसप्लांटेड हार्ट को फॉरन ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इट मे बी रिजेक्टेड, द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड टिश्यू रिजेक्शन। ओके बेटे, इट्स ओवर, नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। Now, objective or basic facts of chapter 3rd about human transport system, it was there. As now we have completed this chapter, we are going to discuss its basic facts. First point is there, blood is a liquid tissue. It consists of blood cells and a liquid part called dash. Who will tell answer to this question? Sir. Hand raised. ओके ज़ारा खालिद, कैन यू टेल मी आंसर? यस, कैसे आपने पहले चैप्टर्स की वर्कशीट्स बना के भेजी थी शॉर्ट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के भी भेजेंगे? इसमें बेटा मैं भेज दूंगा कुछ, जैसा कल सेकंड चैप्टर के चलेगी ना वर्कशीट, तो थर्ड चैप्टर के भी दो वर्कशीट में भेजूंगा, सिर्फ दो वर्कशीट थर्ड चैप्टर की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसमें। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकती है? प्लाज्मा, करेक्ट आंसर, प्लाज्मा बी पार्ट आंसर इज देयर। सेकंड क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स कंटेन डैश व्हिच कैरीज ऑक्सीजन, यूरिया, शुगर, हीमोग्लोबिन या फैट्स? हीमोग्लोबिन। एनी अदर स्टूडेंट? ओके, हीमोग्लोबिन इट वाज देयर, सी ऑप्शन। Dash and gulf germs and produce antibodies, platelets, bacteria, white blood cells, or red blood cells? Sir, I know. Yes. Can I? Yes. White blood cells. Well done. Fourth question. Dash help the blood to clot and stop bleeding, platelets, sir, bacteria, white blood cells, or red blood cells? किसी और बच्ची को भी आंसर आता हो तो हाथ खड़ा करेंगे। Okay, Manshu ji. Sir, platelets. Platelets, correct. Fifth part is there, the system, that system transports wanted chemicals and waste substances around the body, respiratory, circulatory, digestive, or nervous? Yes? Circulatory. Correct answer. Circulatory. Next question is, that circulates the blood around the body by pumping action, liver, heart, kidney, or brain? Heart. B option. Seven. During one complete circulation, the blood enters the heart dash once, twice, thrice, or four times? Twice. Correct. B option. Eighth point is dash carry blood away from the heart. Arteries, veins, capillaries, or lacteals? Arteries. A option. Ninth question is millions of tiny thin walled. Millions of thin walled capillaries arise from the division of dash. Arteries, veins, capillaries, or lacteals? Arteries, correct. Tenth point is that dash have valves to stop backflow of blood. Arteries, veins, capillaries, or lacteals? Veins, B option, correct. The blood returns to the heart in the dash. Arteries, veins, capillaries, or lacteals? Veins, correct. I think now it is last question, 12th part. Dash prevents the infection by healing wounds and destroying invading germs. Water, blood, protein, alcohol, blood. Correct. Excellent. Your all answers were correct. Okay, बेटे इसके बाद ये इसकी जो key है वो भी साथ ही मौजूद है। जो three chapters का material आपको दिया गया, इसमें notes भी हैं और ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स भी थी। इसके बाद आपके जो बाकी तीन चैप्टर रहते हैं उनके नोट्स और वर्कशीट्स वो भी शेयर कर दी जाएंगे। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर? यस। नो सर। सर।
सर जो गूगल क्लासरूम है उसमें जब मैं आपका क्लास कोड सही वाला भी टाइप करूं तब भी उधर आते हैं कि इस क्लास कोड से कोई गूगल क्लासरूम है ही नहीं। बेटे उसमें मिस्टेक आप ये कर रही होंगी कि एंड पे जो एल है वो आप 1 यूज कर रही होंगी, वो 21 नहीं है, 2L है एंड पे, एस सी ओ वी 2L, ये मिस्टेक होगी आपकी। ओके थैंक यू सर, वेलकम। और किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। ओके बेटे वी एंड दिस मीटिंग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।